गाइस, दिस इज मी राधिका। सलमान और रणबीर का 36 का आंकड़ा है, ये सभी जानते हैं, और जब दोनों आमने सामने आएंगे तो सोचिए क्या होगा। जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ सलमान और रणबीर से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो चलिए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म संजू का टीजर सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, तो सोचिए जब फिल्म रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस पर कितने रिकॉर्ड अपने नाम करेगी ये फिल्म। टीजर में रणबीर की एक्टिंग की फैंस तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। ऐसे में अब खबरें आ रही हैं कि रणबीर की ये फिल्म सलमान की रेस 3 के लिए खतरा बन सकती है, यूं कहें कि सलमान की ईद भी खराब कर सकती है। अब ये बात है क्या, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल रेस 3 बॉक्स ऑफिस पर 15 जून को रिलीज हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संजू 29 जून को थिएटर्स पर आने वाली है। दोनों ही फिल्मों के बीच 14 दिनों का गैप है, यानी सलमान के पास रेस 3 को 300 करोड़ के पार ले जाने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते होंगे। बता दें कि टाइगर जिंदा है जैसी शानदार फिल्म ने 16 दिनों में 300 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली थी। ऐसे में सलमान की फिल्म की मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि जैसे ही संजू थिएटर पर लगेगी तो रेस 3 के शोज में भी काफी कमी आ सकती है और फिल्म को काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। वेल, तो देखने वाली बात तो अब ये होगी कि रणबीर सलमान के लिए बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा खतरा बनेंगे। वैसे आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।